हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द इंस्पायर बैच एंड आई एम आर राज सिंह एम बी बी एस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली सो गई इस वीडियो में मेरे को आपको ये बताना है कि इंस्पायर बैच का कंटेंट आपको क्या मिलने वाला है ये इंस्पायर बैच मेरे खुद का बैच है राइट right? एंड जैसे कि अचीवर बैच नीट 2021 ट्वेंटी के लिए वैसे ही इंस्पायर बैच है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए सो so पहली बात मैं अपना क्रेडेंशियल बता दूं ताकि आपको मेरे पे फेथ एक ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं जो आपको बोल रहा हूँगा यार वो सही चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से गाइड कर रहा थ्रू आउट ए प्रिपरेशन जर्नी सो so दैट आप भी मेरे जैसे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुँच सके तो यार मेरी रैंक थी एम्स में ए आई आर नीट में ए आई थी सिक्स आउट ऑफ सेवन मार्क्स है मेरे नीट में सी में आई सिक्योर्ड नाइन्टी परसेंटेज एंड बायो में मेरा हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड्रेड्रेड्रेड मार्क्स है एंड नीट के बायोलॉजी में थ्री आउट ऑफ थ्री मार्क्स थे आई एम ऑल्सो एन टी एस सी एंड के स्कॉलर और यार अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फीचर्स हैं इंस्पायर बैच के सबसे पहली चीज़ यार जो सबसे क्रूशियल चीज़ मेरे को लगती है इस अ, अ, कि इधर जो है आपको टारगेट सेटिंग फीचर मिल रहा है अब टारगेट सेटिंग में होगा क्या यार कि आपको ये फीचर हेल्प करेगा माइक्रो टारगेट सेट करने में थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी ये एक डायनेमिक टारगेट सेटिंग फीचर है इसका मतलब ये है कि आप अपना टारगेट जो है ना यार अपने सिलेबस कितना कंप्लीट किया आपकी जो पढ़ाई की कैपेसिटी स्टार्टिंग में उसके हिसाब से सेट कर सकते हो और छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करते करते आप यू you नो know, काफ़ी बड़ा चंक अपने सिलेबस का कवर कर लोगे बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्ट ठीक है तो ये डायनेमिक टारगेट सेटिंग में आपको होगा क्या आप अपने टारगेट डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मेरे को विद इन टू वीक्स विद इन वन वीक्स इतने चैप्टर कंप्लीट करने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एंड एट द एंड ऑफ द टारगेट आपको एक टेस्ट देना होगा जो कि आप खुद से क्रिएट कर सकते हो जो हमारा सिस्टम है वो आपके लिए क्रिएट करके दे, दे देगा एक टेस्ट ऑन द ऑन द एंड ऑफ द टारगेट मान लीजिए आपका टारगेट खत्म हो रहा है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ सम मंथ 20 सेकंड को आपके आ, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका टारगेट खत्म हो चुका है आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है एंड रोज का रोज़ हम लोग ने एक नोटिफिकेशन सिस्टम बिल्ड किया है जो आपको रोज का रोज एक आ, एक मोटिवेशनल कोड भेजेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे को अपने ट्रैक पर रहना है एंड टारगेट्स को अचीव करते रहना है राइट right. दूसरा फीचर जो है आप सभी जानते हो ये फुल क्वेश्चन बैंक का है राइट right. अब ये फुल क्वेश्चन बैंक जो है उसमें आपको सल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे सभी क्वेश्चन के ऑडियो या फिर टेक्सल सोल्यूशन पर साथ ही साथ इस क्वेश्चन बैंक के सबसे अच्छी फीचर क्या ना यार जो इसको बुक से डिफर कर रही होगी वो है कि आप मैं फिल्टर ऐड कर सकते हो फिल्टर इन द सेंस कि आप जो है इसमें इजी मॉडरेट या टफ क्वेश्चन अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से ढूंढ सकते हो ओके okay? फिर आपको एक बुकमार्क का फीचर इसमें मिल रहा होगा नोट का फीचर मिल रहा होगा एंड परसेंटेज एनालिसिस वाला फीचर मिलेगा बुकमार्क का फीचर आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा जब आप यू नो रिविजन मोड में होंगे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे होंगे आपके टेस्ट आ रहे होंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट तो जो क्वेश्चन आपने यहाँ से प्रैक्टिस कर रखा है राइट right. आप पहले अपना वीडियो लेक्चर देखो किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो या प्राइवेट ट्यूटर से लेक्चर ले रहे हो या फिर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपकी या ऑनलाइन हो आपने वीडियो कोर्स देख लिया उनका उसके बाद मेरे क्वेश्चन बैंक से ऑथेंटिक क्वेश्चंस लगाओ 20,000 प्लस क्वेश्चंस है आप इनको अपना फिल्टर चूज कर लो ईजी मॉडरेट टफ जो करना है एंड जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये ट्रिकी थे या फिर आपसे पहली बार में अटैम्प्ट नहीं हो पाया और आप चाहते हो कि आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करो तो आप उसको बुकमा कर लो ठीक है ये बुक मार्क फीचर हो गया ताकि आप एग्जाम से दो दिन पहले कोई भी आपका टर्म टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट कोई भी टेस्ट हो रहा है उससे जस्ट पहले आप एक बार बुक मार्क क्वेश्चन अपने फिर से देख लो ठीक है दूसरा आपका क्या होगा आपका ये हो गया नोट्स वाला फीचर आप जैसे इलियम होता है दो चीजें होती हैं राइट इलियम हो गया और एक होता है आपका आइलियम आप किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा गया तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो स्पेसिफिकली कि इलियम क्या होता है यार बोन होता है और आइलियम क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया राइट right? तो इन सब चीज़ों को ना आप अपने एक स्पेसिफिक कस्टमाइज नोट्स में ऐड कर सकते हो हर क्वेश्चन के साथ तो ये एक और फीचर हो गया जो आपके क्वेश्चन बैंक को और पर्सनलाइज करेगा आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग राइट एंड लास्ट चीज हो गई ये परसेंटेज एनालिसिस आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है कि यार आसान है कई बार होता है हमारे साथ राइट right? कि हमें लगता है यार ये क्वेश्चन तो आसान है ठीक है और हम लोग जब उसका एनालिसिस देखते हैं तो हमें पता चलता है यार ये तो क्वेश्चन टफ था एनालिसिस में आपको होगा क्या ना यार आपको नीचे दिखेगा अब जब क्लिक करोगे एनालिसिस वाले बटन पे डिफिकल्टी लेवल वाले बटन पे आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चंस कितने स्टूडेंट्स ने सही किया है गलत किया है अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये टफ है राइट right? कि यार आ, आ, मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है मेरे को नहीं आ रहा है और आपने शो एनालिसिस पे किया और वहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट सही किए तो आपको इस एनालिस सिस्टम के थ्रू पता चल जाएगा कि भाई वो क्वेश्चन तो ईजी था मेरे को भी आना चाहिए सिक्सटी स्टूडेंट वो सही कर रहे हैं एट द सेम टाइम आपको क्वेश्चन लग रहा होगा तो ये तो ईजी है पर एट आप जब यू नो एट द सेम टाइम आप डिफिकल्टी लेवल पर क्लिक करते हो एनालिसिस देखते हो और आपको पता चलता है यार कि ये ईजी नहीं था यार सिर्फ दस परसेंट स्टूडेंट ने इसको सही कर पाया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि वाह यार मैं तो इतने स्टूडेंट से आ गया तो ये सारी चीज़ें हो गई अब मिनी क्वेश्चन बैंक जो है ना यार इसी का स्मॉल वर्जन है मिनीचर वर्जन है ताकि आप जस्ट एग्जाम से पहले 45 फाइव टू फिफ्टी क्वेश्चन इसमें होते हैं हर चैप्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एंड ऑल्सो थोड़ा वेरिएबल होगा यार 90 टू 100 क्वेश्चन भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर इन योर एग्जाम ठीक है तो मिनी क्वेश्चन बैंक में नया यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कम क्वेश्चन होंगे फिल्टर्ड क्वेश्चन होंगे फुल क्वेश्चन बैंक में ढेर सारे क्वेश्चन होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए मिनी क्वेश्चन बैंक जस्ट फॉर सेक ऑफ रिविजन है कि आप सभी सब टॉपिक्स जो एक चैप्टर के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं ना जैसे रोटेशन मोशन आपका काफी बड़ा चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स राइट उसमें सी, आ, आ, ये सेंटर ऑफ मास का भी आ, आपको कंसेप्ट है मो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट है उसमें रोलिंग मोशन का भी कॉन्सेप्ट है तो हर सब टॉपिक्स एक चैप्टर के अंदर जितने सब टॉपिक होते हैं उन सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एड किए हुए हैं इंपॉर्टेंट हाई इंपैक्ट क्वेश्चन इस मिनी क्वेश्चन बैग में ताकि कोई भी एग्जाम से पहले आप बस इसको करके जाओ ठीक ये आपका मेन प्राइमरी प्रैक्टिस के लिए होगा ये जो क्वेश्चन बैंक होगा आपके रिवीजन के लिए होगा और उसमें भी सोल्यूशन भी फिल्टर का ऑप्शन है बुकमार्क का है नोट्स का का एंड परसेंटेज एनालिसिस ऑप्शन रहेगा फिर सबसे इनोवेटिव फीचर जो हमारे इंस्पायर बैच का है वो है फ्लैश कार्ड्स अब देखो फ्लैश कार्ड बेस्ड होते हैं यार एक्टिव रिकॉल एज वेल एज स्पेस रिपिटेशन पे आपने मेरे टेलीग्राम पे वीडियोस देख रखे होंगे बहुत ढेर सारे स्टूडेंट इस चीज का फायदा उठा रहे हैं एंड एक्टिव रिकॉल एज वेल एज स्पेस रिपीटेशन की वजह से वो चीज़ें को यू you नो know, अपने मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन कर पा रहे हैं एंड रिकॉल कर पा रहे हैं आसानी से जब भी उनसे पूछा जाए और उनकी एग्जाम में इन इन दोनों वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है राइट right. तो फ्लैश कार्ड में आपको मालूम है यार आ, फिजिक्स के भी हैं केमिस्ट्री के हैं बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड्स हैं इससे आप रैपिडली रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को राइट एंड फ्लैश कार्ड के लिए यार एक अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी ऐड कर रखी है ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाए कि फ्लैश कार्ड दिखते कैसे ओके एंड द लास्ट चीज़ जो हमारे इस इंस्पायर बैच की होगी वो है टेस्ट सीरीज प्लस कैश प्राइज़ टेस्ट सीरीज़ आपकी ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर शुरू हो जाएगी क्लास इलेवेंथ के लिए और फिर नेक्स्ट uh, ईयर मतलब 2021 के एंड में आपकी क्लास ट्वेल्थ के लिए भी शुरू कर दी जाएगी टेस्ट सीरीज और तो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज एज यूजल कोई भी इंस्टीट्यूट में जैसी होती है राइट एंड इसमें एक यूनिक फीचर ये है कि हम गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं आप मेहनत कर रहे हो तो आप कैश प्राइज डिजर्व करते हो कोई भी टेस्ट में हर टेस्ट में ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट में आपको कैश प्राइज़ होगा एक में नहीं होगा हर टेस्ट में एक कैश प्राइज डिफाइंड होगा आप टॉप ट्वेंटी में आ रहे हो टॉप टेन में आ रहे हो जो कि टेस्ट में से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ ये टॉप टेन ये टॉप ट्वेंटी स्टूडेंट्स को कैश प्राइज दी जाएगी एंड उन सभी स्टूडेंट्स को हम लोग कैश प्राइज ऑफर कर रहे होंगे क्योंकि वो डिजर्व कर रहे हैं सो so ये सारे फीचर्स हैं यार मेरे इंस्पायर बैच के एंड अगर आपको लग रहा है यार कि आप यू नो अच्छा कर सकते हो एंड आपको मेरे आप मेरे बैच पे भरोसा है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड फिर एंड में यार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आई गारंटी यू ये हंड्रेड परसेंट रिफंडेबल है ये कोर्स आप सेलेक्ट हो गए हंड्रेड परसेंट आपको पूरा फीस कोर्स का रिफंड कर दिया जाएगा एंड आपको मेरे साइड से अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होते हो एम बी बी एस सीट के लिए तो हंड्रेड परसेंट रिफंड तो करेंगे ही साथ ही साथ मेरे साइट से आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा जो कि स्पेशल गिफ्ट होगा एंड वो एक थैंक यू गिफ्ट होगा एक थैंक यू गेस्टर होगा मेरे साइट से कि आपने मेरे पे भरोसा रखा एंड साथ ही साथ आपने बहुत मेहनत है राइट सो ऑल द बेस्ट गाइस कीप हसलिंग